हेलो, वेलकम बैक टू द हेम इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है 18x32, यानी कि जो इसका फ्रंट है वो है 18 फुट और जो इसकी डेप्थ है वो है 32 फुट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट थी 1 BHK सेट, यानी कि इसमें बनना था एक बेडरूम, और जो बेडरूम होना था इनका वो होना था स्टोर से कनेक्ट, तो हम वही कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा मेन गेट, सबसे पहले ये रहा हमारा मेन गेट, ये रहा। और ये जो जगह हमने स्पेस जो छोड़ा है, हमने ये छोड़ा है पोर्च के लिए, हमने ये पोर्च स्पेस छोड़ा है, जो आपकी बाइक वगैरह है वो आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ से हमने ऊपर जाने के लिए अब के लिए यहाँ से दिया है स्टेयरकेस, यानी कि जीना। और इसी के बराबर में दिया हुआ है हमने ड्राइंग रूम, आप देख सकते हैं ये रहा ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम के हमने दो गेट दिए हैं, एक गेट दिया है हमने बाहर से और दूसरा गेट हमने दिया है अंदर से। और इस ड्राइंग रूम का साइज़ जो देखिए, यहाँ हम यहाँ से एंट्री करते हैं, और जो इस ड्राइंग रूम का साइज़ दिया है वो दिया है 9 फुट 3 इंच बाय 11 फुट का हमने इस ड्राइंग रूम का साइज़ दिया हुआ है। और जो इसकी विंडो है वो भी हमने इस गेट के पास लगा दी है, ये रही इसकी विंडो, तो ताकि इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो ड्राइंग रूम हमारा हो चुका है कम्प्लीट। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये आ गए हम अंदर की तरफ। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो हमने छोड़ रखा है, हमने चौक के लिए छोड़ रखा है। और जो हमने इसका साइज़ दिया है वो दिया है हमने 10 फुट 3 इंच बाय 9 फुट का हमने चौक का साइज़ दे दिया है। अब बात करते हैं हम अपनी KIT की। तो इसी के सामने हमने बनाया है KIT, यहाँ से करते हैं हम KIT में एंट्री। और जो हमने किचन का साइज़ दिया है वो दिया है हमने 6 फुट बाय 5 फुट 9 इंच, हमने यहाँ से किचन का साइज़ दे दिया है। अरे वाह, काफ़ी अच्छा किचन है, स्क्वायर में लग रहा है बिल्कुल। और इसके बराबर में दिए हमने टॉयलेट, और ये रहा इसका टॉयलेट का डोर, यहाँ से करते हैं हम एंट्री। और जो हमने टॉयलेट का साइज़ दिया है वो दिया हमने 3.5 फुट बाय 6.5 फुट की हमने टॉयलेट भी बना दी है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी है। और अब चलते हैं हम अपने रूम की तरफ। ये रहा हमारा रूम, में हम करते हैं यहाँ से एंट्री। ये रहा रूम का डोर, यहाँ से एंट्री करते ही हमें दिख रहा है कि हमने रूम का साइज़ दिया है हमने यहाँ पर 12 फुट बाय 9 फुट, यानी कि 12x9 का रूम भी बना दिया है। और इस रूम में हमने दो डोर दी हुई हैं, पहली डोर ये रही और दूसरी डोर ये रही, बल्कि हमने इस रूम में दो नहीं 3 डोर दी हुई हैं। एक डोर हमने स्टोर से भी जो जाने का रास्ता है वो दी हुई है। और इस रूम में हमने वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दे दी है, पहली विंडो ये रही और सेकेंड विंडो हमारी ये रही। तो चलिए अब चलते हैं हम स्टोर की तरफ। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि भैया बेडरूम से कनेक्ट स्टोर होना ही चाहिए, मैंने कहा जी हो जाएगा। तो ये रहा स्टोर, अब यहाँ से करते हैं हम एंट्री। और जो स्टोर का साइज़ दिया है हमने 3 फुट 8 इंच बाय 5 फुट 11 इंच हमने स्टोर का साइज़ दिया जाए, जो भी आपका सामान वगैरह सारा इसमें भर दो भाई आज। तो भैया अगर आपको ये जो प्लान है पसंद आ रहा है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। और अगर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, आप इसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप हमको बताइए, हम उसको फुलफ़िल करके आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।